चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किसानों के जो वादे करे थे भाई पूरे करेंगे तो पहले तो करें, आधे भी लेकर जाएंगे, बिल भी पूरे लिए जा रहे किसानों से। कान खोल कर सुन लो मोदी जी, आपकी औकात नहीं है किसान को बांध के रखना। किसान विरोधी बिल्कुल टोटल नीति है इनकी, पूंजीपतियों को बढ़ना, किसानों को बर्बाद करना, उनका जमीन छीनने का ये षड्यंत्र है। कर दिया और उसके हाईवे का पेड़ का मुआवजा आपने क्यों रख लिया, इसका जवाब चाहिए किसान को। ये किसान के पास पैसा आना चाहिए ताकि वो किसान उस हरियाली की जो जगह आवंटित हुई है उसमें पेड़ लगाए और पर्यावरण को भी बचाने में अपना सहयोग किसान देगा। आप किसान को किसान मित्र क्यों नहीं कहते, आप क्यों डरते हो? किसान को उनका हक मिलना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, किसान हर आदमी आपके साथ रहेगा इस आंदोलन में। जब भी आंदोलन होगा हम पूरी भीड़ के साथ वहां पहुंचेंगे। और प्रशासन ये भूल न करे कि यहाँ तो कम है, 2000-4000 आदमी है। ऐसी भूल गाजीपुर बॉर्डर पे भी की थी जब चौधरी साहब बैठे थे 150-200 किसान मान के, ऐसा धोखा ना खा जाइए, इस धोखे को अपने दूर रखें। सरकार ने एक वादा किया था किसानों ने कि बिजली बिल आधे करे जाएंगे, तो अब की बार दोबारा फिर सत्ता में आई सरकार, बीजेपी सरकार सत्ता में इसलिए आई कि भाई किसानों के जो वादे करे थे भाई पूरे करेंगे, तो पहले तो करें, आधे भी लेकर जाएंगे, बिल भी पूरे लिए जा रहे किसानों से। गन्ने का परमिट है वो नहीं दिया जा रहा, धरने प्रसन्न जो खेत का मुआवजा है वो नहीं दिया जा रहा, इसलिए यहाँ महापंचायत कर गई है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये धरना कहाँ तक जाएगा? धरना भाई लगातार चलता रहेगा, धरना चलता रहेगा। अगर हमारी मांगे पूरी हैं धरना पूरा चलता रहेगा, बराबर धरना चलेगा। देखो अब जब शामली मिल की देखो 4 जनवरी तक परमिट करा, और देखो कितने दिन का परमिट है, किसान है इनके धो रहे। अगर किसी का मान लिया पुलिसिया मिलिट्री में कोई बाड़क लग गया, चलो 2 रुपये बाढ़ता है कि काम चला रहा, लेकिन जो निरोड़ इसी के ऊपर है गन्ने के, ये तो सोचो कि वो कहाँ तक पूरा पड़ा था और कैसे वो अपना काम चला रहा, कितनी दिक्कत है। जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। किस प्रकार के सरकार के कारनामे पिछले 6 वर्षों से लगातार देखते आ रहे हैं। हमारे आपके पूर्वजों ने किस प्रकार संघर्ष कर इस देश को आजाद कराने का काम किया, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा जब यह देश आजाद होगा तो इस आजाद हिंदुस्तान में अपने हकों की लड़ाई के लड़ने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा और मेरे किसान बिरादरी को संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, चाहे वो गन्ने का भुगतान हो, चाहे अपनी भूमि का पैसा हो, चाहे वो पर्ची की समस्या हो, चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, किसान हमेशा संघर्ष पर रहा है। किसान के सामने ऊपर वाले ने जायजती की, कहीं मौसम ने जायजती की, वही सरकार कर रही है। साथियों, मोदी जी कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो मोदी जी, आपकी औकात नहीं है किसान को बांध के रखना, आपकी औकात नहीं है किसान को पिंजरे में बांध के रखना। हाईवे निकाल दिया, सबसे बड़ी समस्या अगर किसानों क्या होगी, सड़क क्रॉस की, जब पीछे भी वे बात कर दे हमारे भाई जो बता दे भाई इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए क्या निकाल ले, अब वो पीछे नो डीएम साहब ने कह दिया बस सड़क पार कर, ऐसी पार हो जाएगी भाइयों। 10 किलो मतलब 10 फुट तो आपने उठा दी, जो तो अंडर पास दें उसे रास्ता दें किसान को, मतलब किसान विरोधी बिल्कुल टोटल नीति है इनकी, पूंजीपतियों को बढ़ना, किसानों का बर्बाद करना। अरे वे बीज कहाँ गए हिंदुस्तान के, जो जन जन हित के लिए देश के लिए अपना इस्तीफा देते थे। अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाती, पहला नेता क्या कहता, सबसे पहला नेता कहता ये तो जनता की बात सुनो, किसानों की बात सुनो, अनिमा इस्तीफा दे गए जनता के भी चढ़ बैठे। आज ये क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहा,
तब मुझे खून दो मत, हमें आजादी दम्मा। आज का नेता कह रहा तब मुझे खुशी दो मत, हमें भुखमरी दम्मा। है ये आज राज कर रहे हैं, बेरोजगारी दे रहे, भुखमरी दे रहे, और जो है किसानों को परेशान हो रहे सड़कों पड़े। सरकार ये जमीन छीनना चाहती है, बैंकों को प्राइवेट करना चाहती है। जब बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड भी उनके पास चला जाएगा, और वे फिर कहेंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड दे दो, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जमीन दे दो। उनके गुंडे आएंगे, गुंडे घरों पे, वे कहेंगे भाई पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो प्यार सा भाई उस हिस्से की जमीन दे दो। तो आदमी चुपचाप उसका बहनामा करेगा। उनका जमीन छीनने का यह षड्यंत्र है। आंदोलनकारी बहुत दिन में तैयार होता है, बहुत मेहनत लगती है, अपने घर बार छोड़ता है, उसको बहुत झंझट पैदा होते हैं, और उसके बाद में अगर 100 लोगों पर काम करते हैं तो एक आंदोलनकारी निकलता है।